हेलो दोस्तों, कुक बाय प्रियंका में आप सबकी स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हमें जानते हैं, आज हम गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने, और घूम के आने में थोड़ा सा हमें लेट हो गया। तो हमने सोचा कि क्या बनाया जाए, बाहर ठंड का मौसम भी था बहुत ज़्यादा। तो हम यही सोच ही रहे थे कि हमें थोड़ा सा ध्यान आया कि चलिए चाय बना लेते हैं, थोड़ा सा चटकारेदार आलू बना लेते हैं। तो वही आलू का हमने देखने के लिए तो देखे दोस्तों, हमने आलू ले लिया है, बॉयल कर लिया था, और इसको देखिए हमने छील के ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ठीक है। और ये है मेरे पास मिर्च, ठीक है। तो इतना चीज़ हमने ले लिया है, आलू और मिर्च। अब इसकी हम चटकारेदार आलू बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों, देर किस बात की है। तो देखिए दोस्तों, हमने चढ़ा दिया है पैन, इसमें डाल देंगे तेल। ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा हीट हो जाने दीजिए। तो देखिए तेल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे जीरा, ठीक है। अब जीरा ऐड करने के बाद हम डाल देंगे इसमें एक चटकारेदार हरी मिर्च। वाओ, हरी मिर्च का नाम सुनते ही मुँह में तीखा तीखा लगना लगता है ना, किसके किसके मुँह में पानी आ जाता है बताइए, मिर्च का नाम लेते ही। तो देखिए हमने डाल दिया, इसको बढ़िया से पका लीजिए। तो लीजिए, हमारी हरी मिर्च जो है वो पक के तैयार हो गई। अब हम इसमें डाल देते हैं ये आलू, ये कटे हुए आलू डाल दिया। अब इसको हम चला लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बच गया, क्यों जा रहे हो, कहीं ना जाओ, ये लीजो। ये देखिए हमने डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं बढ़िया सा। बहुत ज़्यादा ठंडी है ना दोस्तों, आप यहाँ ठंडी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। हमारे यहाँ तो 2 से 4 दिन तक तो कोहरा रहता है, इतना ज़्यादा रहता है दोस्तों कि आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा घना कोहरा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने आलू को फ्राई कर लिया। अब इसी में हम डाल देंगे इसको थोड़ा सा जानदार बनाने के लिए, हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कलौंजी मसाला। आप खाते हैं कि नहीं कलौंजी मसाला? तो थोड़ा सा नहीं खाते, थोड़ा सा डाल कर देखिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा दोस्तों, यकीन मानिए दम आलू फेल हो जाएगा इसके आगे। तो ये देखिए इसको डाल दीजिए। अब हम इसको डाल देंगे थोड़ा सा नमक। बताइए, हमने नमक भूल गए, आप बताए भी नहीं कि हमने नमक इसमें नहीं ऐड कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें डाल दिया नमक। अब नमक डाल कर इसको खूब बढ़िया सा चला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको खूब बढ़िया सा चला लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा बन गया चटकारेदार आलू। अब इसके साथ बना लीजिए बढ़िया सा गरम गरम पूरी, या फिर गर्मा गर्म चाय, ठीक है। और इसके साथ चम्मच के साथ मिला के खाइए, वाह मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम देखिए इसको खाते हैं पूरी के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए दोस्तों, ये रही प्लेट, और इसमें निकालते हैं अपने मस्त मस्त आलू। ये देखिए दोस्तों, मिर्चा उर्चा निकाल लीजिए दोस्तों। ये देखिए, आप चाहे तो इसी के साथ एक फ्राई मिर्च भी तल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने निकाल लिया, अब इसको हम निकाल लेते हैं अपनी गर्मा गर्म पूरी। तो ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म बन गई मेरी पूरी। तो बताइए किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।